तो यहाँ पे पूरा लगेज हमने रख लिया है। ये लैपटॉप बैग को मैं थोड़ा उस तरफ रख देता हूँ। एक बड़ा सूटकेस और एक मीडियम साइज का सूटकेस रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे पिछले दो तीन महीने से। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग थाने से निकल रहे हैं सीधा दिल्ली के लिए, लेकिन रास्ते में ऑब्वियसली हमें एक हॉल्ट लेना पड़ेगा उदयपुर में। तो यहाँ से कुछ 730 किलोमीटर्स का रास्ता है जो आज हम कवर करेंगे। मेरा एस्टिमेशन है कि 9:30 तक तो हम पहुँच जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 14 आवर्स में पहुँच जाना चाहिए 2-3 ब्रेक लेके। तो हम लोग फिर वहाँ से आगे और दिल्ली, न्यू दिल्ली के आगे हम और आगे उत्तराखंड जाएंगे वहाँ से, और पूरा अगले कुछ हफ्ते बहुत ही अमेजिंग होने वाले मुझे ऐसा लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा रोड खाली है, सुबह का वक्त है। नॉर्मली यहाँ पे इतना फॉग नहीं होता, बट आज यहाँ पे फॉग दिख रहा है। पीछे बूट में छोटे मोटे सामान के आवाज आते थे, इसके लिए मैंने सेकंड रो में सीट बेल्ट लगा के इनको रखा था। फिर भी छोटी मोटी आवाजें आ रही थी गाड़ी में, सेट किया उसको, फिर वहाँ पे डीजल भरा लिया, पूरा टैंक फुल करा लिया मैंने वहाँ पे, हवा भी चेक करवा लिया, 33 का एयर प्रेशर मैंने रखवा लिया जो कि रेकमेंडेड है। तो अभी रेंज 433 दिखा रहा है, तो मैं अभी इसको रीसेट कर देता हूँ। यस ठीक है, तो रीसेट कर दिया, अब देखते हैं कितना माइलेज देता है। तो अभी हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं फाउंटेन होटल से टर्न लेके। काफ़ी एग्जाइटेड हूँ ये ड्राइव को लेके, क्योंकि बहुत दूर जा रहे हैं, पूरा फॉग है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बस तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं वडोदरा। लंच तक वडोदरा पहुंचने का प्लान है। वहाँ मिनी कूपर का एक बहुत ही स्पेशल कलर देखा हमने टोल पे। वापी क्रॉस कर रहे हैं, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज दिखेंगे आपको वापी में। तो यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे अभी। तो अभी मैं वलसाड़ के थोड़ा पहले हूँ, यहाँ पे जस्ट हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है। यहां से मैं तो होप कर रहा हूं सीधा सूरत के बाद ही रुकेंगे। भरूच आ रहा था, तो यहां पे कुछ ट्रैफिक जैम था हाईवे पे, इसलिए भरूच सिटी के अंदर से हमें जाना पड़ रहा है। तो दरअसल जितने भी लोग हाईवे से जा रहे थे वो लोग सब लोग यहां सिटी के अंदर आ गए, इसके वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहां पे। नर्मदा रिवर के ऊपर से हम लोग अभी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। ये यहाँ पे भरूच रेलवे स्टेशन। बीच में हम लोगों को आ रही थी नींद एकदम जबरदस्त वाली। मैं नींद बहुत आती है दोपहर के समय। फिर जब हम वहाँ से निकले तभी हमें पता चला कि वहाँ पे डाइवर्जन क्यों था। दरअसल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया था उन लोगों ने हाईवे से। फिर हम लोग जो लंच के लिए जिस जगह पे रुके वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा, क्योंकि जगदीश एक बहुत ही पुराना ब्रांड है वडोदरा में, इनफैक्ट गुजरात में ही। उनकी बहुत सारी चीज़ें जो नमकीन वगैरह बहुत फेमस है, और मैं मुझे चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये यू नो नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ पे रुकने के लिए, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ चटपटा चीज़ों के लिए। तो मैंने ऑर्डर किया समोसा, खमन ढोकला, मिर्ची की भजिया और मकाई का छोटा छोटा समोसा,
या क्या यमी लग रहा था देख के, और चटनी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। ये देखिए ये चटनी मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वहाँ पे। और मैं वहाँ पे खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। ये स्नैक्स मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे अगर आप लोग गुजरेंगे इस साइड डेफिनेटली यहाँ पे खाना चाहिए। और ये जो मिर्ची भाई इन्होंने डीप फ्राई की हुई थी, दिल खुश कर देगा आपका। यहाँ पे अभी मैप में 376 किलोमीटर दिखा रहा है, 6 hours 22 minutes दिखा रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा वॉक करूँगा। मैडम ऑलरेडी थोड़ी सी वॉकिंग कर रही है, मैं भी थोड़ा यहाँ वॉक कर रहा हूँ। ये बेस्ट आइटम है, टीनी मिनी स्मॉल। हम लोग ने अभी जस्ट राइट टर्न लिया, हलोल वाला रोड पकड़ा। वैसे तो हम सीधा भी जाके भी उदयपुर जा सकते हैं, लेकिन हमने राइट टर्न ले लिया फ्लाईओवर के नीचे से। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स बचाता है ये वाला रास्ता, तो मुझे लगता है सही डिसीजन लिया है। और बहुत अच्छा रोड है, ऐसा नहीं कि कुछ खराब रोड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा रोड है, प्रॉपर डिवाइडर है, पेड़ है राइट साइड में, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोड है, मजा आ रहा है। 80 स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो संभाल के चलाना पड़ेगा। एकदम सुंदर सी जगह मिल गई है हम लोग को यहाँ पे। MG मोटर्स की फैक्ट्री है, यहाँ से असेंबल होता है MG मोटर्स की गाड़ियाँ। एक और बार डीजल भराया वहां पे। शाम के 6 बज रहे हैं, हम लोग मोदासा गोधरा हाईवे पे हैं, कुछ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये देखिए सनसेट कितना सुंदर। वहां हाईवे से हमें बहुत ही सुंदर सा सनसेट देखने को मिला, अमेजिंग सनसेट था, पूरे दिन की थकान मिटा दिया। रोड अच्छा था, भगा दिया मैंने। अब तक हम लोग को कुछ भी करके पहुंचना था बस, फिर ये जो ब्यूटीफुल सी इवनिंग में गाड़ी चलाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, हेडलाइट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। फिर रात को हम लोग उदयपुर की तरफ पहुंचने लगे। उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने अभी जैकेट पहन लिया क्योंकि थोड़ी सी ठंड शुरू हो गई है जैसे जैसे हम उदयपुर के पास आ रहे हैं। ऐसे ही हमने ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सामने पेट्रोल पंप है, ऐसी रोड पे हमने ऐसे ही रुकाया हुआ है। तो बिल्कुल भी इतना कुछ थका देने वाला ड्राइव तो अभी तक तो लगा नहीं, इवन दो हम लोग आज सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे थे। तो चलो अभी पहुँचते हैं, आई थिंक जल्दी पहुँच जाऊँगा, 9 o'clock तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, चेक इन कर लिया है। इतना भी ज़्यादा थका देने वाला रात तो नहीं था, पर ठंड ज़रूर यहाँ पे बढ़ गई है, 15 डिग्री है। मुंबई में जब मैं निकला था तभी कुछ 28 डिग्री था, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है टेम्परेचर।
तो आज रात को यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कल निकलेंगे दिल्ली के लिए। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे उसने बहुत ही डिलीशियस डिश बनाया स्वीट कॉर्न का, मज़ा आ गया भाई वहाँ पे। सुबह का समय है, यहाँ पे एक हैरियर भी पार्क हो रखी है। ये देखिए सीट बेल्ट अपना काम कर रहे हैं, रैटलिंग नॉइज जो है काफ़ी हद तक ये निकाल रहे हैं। ये पूरा धुंध जम गया है यहाँ पे। 13.8 का एवरेज दिया अभी तक। अभी मैंने एसी, यहाँ से एवरेज बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने एसी बंद कर दिया है और मुझे नहीं लगता अगले 10-15 दिन तक तो हम लोग एसी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसकी वजह से भी एवरेज अभी बढ़ सकता है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी का पहला विंटर होगा, प्रॉपर विंटर होगा। ये अभी हम लोग उदयपुर से जा रहे हैं। वाह क्या वेदर है यार, अमेजिंग वेदर। तो यहाँ पे वेदर ऐसा है कि अच्छी खासी अच्छी सी ठंडी है और धूप आ रहा है राइट साइड से, बहुत ही जबरदस्त वेदर है। उदयपुर की गलियों से जा रहे हैं, मजा आ गया। ये व्यू देख रहे हैं यहाँ पे पीछे, पूरा ऐसे एक सराउंडिंग हिल्स है उदयपुर में। सामने देखिए क्या रोड है भाई, राजस्थान के जो रोड्स है ना सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे, एकदम स्ट्रेट। और ये हिल्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लैंडस्केप अमेजिंग है। बीच में लगेज का रैटलिंग नॉइज आ रहा था तो सामान को थोड़ा सेट करने के लिए मैं उतरा और वापस लगेज इधर उधर किया। उदयपुर क्रॉस करने के बाद लैंडस्केप्स कुछ ज्यादा ही अमेजिंग होते गए, दोनों साइड हिल्स दिख रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप था। गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था वहां पे। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद वहां पे एकदम स्ट्रेट सा रोड बहुत ही जबरदस्त वाला स्टार्ट हो गया था, तो हमको वो रोड इतना अच्छा लगा कि रास्ते में हम बस रुके थोड़े फोटोज वगैरह खिंचाने के लिए। बहुत ही अमेजिंग ड्राइव हो रहा है। मैडम को लग रही थी भूख और हमेशा की तरह मैं अच्छी रेस्टोरेंट ढूंढने के चक्कर में था। वो देखिए वहां पे शिवजी की मूर्ति है, बहुत बड़ी है। वहां जाके अभी देखते हैं कि कितना बड़ा है, इस तरफ से ज्यादा व्यू दिखेगा। वैक्सीन सेंटर है यार, वैक्सीन के लिए इतना भीड़ कहाँ होगा। ये बादल दिख रही हो सामने, पोल्यूशन है, पोल्यूशन नहीं है यार ये बादल है, काले हैं बादल, कैसे हो सकते हैं ये। सीरियसली यार ये फॉग तो देखो ना सामने कैसा है, ये फॉग है कि स्मॉग है पता नहीं भाई, बट हम लोग एक बहुत ही स्मॉगी एरिया में एंटर कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। भाई ये कुछ अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे, सडनली पूरा कोहरा आ गया है यहाँ पे। ये देखिए अचानक कोहरा आ गया है यहाँ पे, एक भैंस भी आ गई बीच में।
यहाँ पे पूरा कोहरा हो गया, सामने देखिए विजिबिलिटी एकदम जीरो है। मैंने फॉग लैंप भी स्टार्ट कर दिया है और हेडलाइट भी लगा दिया है। यहाँ पे ओवरटेक तो करना पड़ेगा सामने अभी इसको। ये देखिए थोड़ा बहुत वापस विजिबिलिटी आ गया है, बट सडनली यहाँ पे पूरा मौसम बदल गया है, पूरा कोहरा छा गया। इतने देर से नहीं था, अभी अचानक ये आ गया है। डीजल भरा लिया, तो जब से मैंने ये ऑल टेरेन टायर्स डाला है, हैंकूक का डायना प्रो वाले टायर्स जो डाले हैं, तब से ये मेरा पहला लॉन्ग ड्राइव है। ऑलमोस्ट 900,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टायर लगाने के बाद हाईवे पे जब आप चलाएंगे तो नॉइस लेवल ऑलमोस्ट 20-30% बढ़ गया है, ठीक है। और राइड थोड़ी सी बाउंसी हो गई है पहले के कंपैरिजन में। जो ब्रिजस्टोन इकोपिया का जो स्टॉक टायर सफारी का आता है, उसमें ना गाड़ी अच्छे रोड पे हाईवे पे चिपक के चलती है एकदम। अब ये ऑल टेरेन टायर में भी चिपक के चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा सा बाउंसी राइड दे रहा है। मतलब यू नो राइड क्वालिटी ऐसी होगी है कि मान लीजिए अगर सफारी की सॉफ्ट सस्पेंशन होती तो कैसी होती थी, वैसी हुई है ये टायर चेंज करने के बाद। तो यू नो हाईवे पे कंफर्टेबल तो है, ये टायर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन जो हार्ड सस्पेंशन है सफारी का, जितना हार्ड सस्पेंशन है हाईवे के लिए ट्यूनिंग की गई है, उस हार्डनेस को ये थोड़ा सॉफ्ट बनाता है ये ऑल टेरेन टायर। और खराब रोड पे तो डेफिनेटली अच्छा हेल्प करता है, जैसा कि मेरे बाकी वीडियोस में आप लोग ने देखा। लेकिन ओवरऑल मैं हाईवे राइड क्वालिटी बोलूंगा कि ब्रिजस्टोन इकोपिया के कंपैरिजन में बोलूंगा 10-15% थोड़ा कम कंफर्टेबल है ऑल टेरेन टायर्स, लेकिन उतना खराब नहीं है, अच्छा खासा है। हमको कोई ऐसा थकान है सच नहीं हुई। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पिछले एक दिन से जो हम गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, ये गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो यू नो मेरे पिछले बार की तरह अच्छी ही है, कंफर्टेबल ही है, और एवरेज भी अभी तक तो अच्छा दिया है। मतलब मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 14 के आसपास दे रहा है, मतलब मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ओवरटेक कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ठीक ही मिला है। अगर मैं मान लीजिए 80 के स्पीड में चलाता तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 20 का एवरेज मुझे मिलता था यार इसमें। तो ओवरऑल मतलब अभी तक तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छी रही है। पीछे थोड़ा बहुत नॉइजेज आ रहे थे सूटकेस के, वो मैंने सेट किया तो अभी नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से भी ठीक है। बाकी ये रोड देखिए, सामने देखिए कितना अच्छा है, राजस्थान के रोड्स, तो कोई कंप्लेंट ऐसा है नहीं, ठीक है, बढ़िया ड्राइव एक्सपीरियंस है। थोड़ा और आगे पहुंचेंगे दिल्ली के पास, फिर देखते हैं कैसा होता है रास्ता। तो अभी 5 बजने को आए हैं और अभी तक हम लोग जयपुर नहीं पहुंचे, तो इस हिसाब से मैप्स पे तो 10:30 को पहुंचेंगे ऐसा दिखा रहा है, तो उम्मीद है उससे जल्दी पहुंच जाएं। लगेगा तो आज थोड़ा लेट पहुंचने वाले हैं, आई डोंट नो वेदर दैट्स गुड बट ऐसा है। अभी हमने जयपुर क्रॉस कर लिया है और स्पोर्ट्स मोड लगा दिया है मैंने, और स्पोर्ट्स मोड में मैं ओवरटेकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। 9:30 दिल्ली पहुँचने का प्लान है। कुछ 120 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, 950 तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे ये रोड पे कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कोई भी कहीं से भी कट मार रहा है, पता नहीं कैसे चलाते हैं लोग। निमराना आने वाला है अभी, तो अभी हम गुड़गांव पहुंच गए। तो दरअसल आज नाइट कर्फ्यू है, राइट, वीकेंड को
इसके वजह से बहुत खाली है सड़कें। ऐसा नहीं है कि 10 बजे बहुत भीड़ होता है, ऐसा नहीं है, पर आज रोज के हिसाब से काफी बहुत कम गाड़ियां हैं सड़क पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए 10 मिनट में 7 किलोमीटर कवर करने वाले हैं और सड़क भी देखिए पूरा खाली। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना ड्रामेटिक व्यू है यहाँ पे। एक एडवेंचर था भाई, अभी मेरी जान में जान आ गई यार, मेरी जान। सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। गाड़ी थोड़ी सी फंस गई है। तो अभी हम लोग ऐसे ही थोड़ा लोकल घूमने के लिए जा रहे हैं। पूरा रिवर का आवाज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक मोड़ आ गया, सामने कुछ नहीं दिख रहा है और नीचे खाई है। पानी का आवाज आ रहा है, जो नजदीक का रिवर है उस वहां से पानी का आवाज आ रहा है और ये आग का आवाज़।